पारी। ऑटो कारोबारी रिंकू खनुजा आत्महत्या मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी लोहली खनुजा को किया गिरफ्तार। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड के संदेही रिंकू खनुजा आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन बाद सिविल लाइन पुलिस ने लोहली खनुजा को गिरफ्तार किया है। लवली खनुजा रिंकू खनुजा का रिश्तेदार है और सेक्स सीडी कांड में सरकारी गवाह भी है। लवली खनुजा को गिरफ्तार करने के बाद उसे शुक्रवार रात को लगातार 4 घंटे पंडित थाने में पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो 5 अफसर सीएसपी त्रिलोक बंसल, डीएसपी अभिषेक माहेश्वरी, सीएसपी नसर सिद्दीकी सहित 2 DI आरोपी लवली खनुजा से तकरीबन 40 से ज्यादा सवाल किए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं लवली को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पेश करने से पहले एक बार फिर पुलिस कड़ी पूछताछ करेगी। रिंकू खनुजा के मौत के बाद उनके परिजनों ने गंभीर आरोप सीबीआई पर लगाए थे। इसके साथ ही विजय पंड्या, लवली खनुजा और मानस साहू, जो तीनों व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर किया गया था, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाए थे कि ये तीनों रिंकू खनुजा को लगातार फोन कर आत्महत्या के लिए उकसाते थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच टीम लगी हुई है और जो अन्य 2 आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमार प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।